सुपारी। ना नमाज के बाद पहुंच जाऊंगा। क्या सारा दिन लहंगा सिलती रहती मैडम? कभी हमारे लिए भी कुछ जीन्स वीन सिल दीजिए ना। नाप ले लीजिए। अच्छा नहीं ठीक है, रात को हम आ जाते हैं आपके घर पे नाप देने। ए ब्रजेश। अरे आ रहे पे चुपे, फोन कर देना मैडम, बस हम आ जाएंगे रात को नाप देने। ये लो, अब तक नहीं की ना तू? अभी बोली थी ना आने के लिए मुझे। कितना टाइम लगेगा? एक घंटे में दे दूंगी दीदी। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को दे। दीदी मैं कर रही हूं। मेरे को नहीं चाहिए। दीदी मैं कर रही हूं। मैं दे दूंगी। नहीं, मेरे को दे। मैं एक घंटे में दे दूंगी। मेरे को चाहिए। दीदी मैं दे दूंगी। पक्का? हां। सिर्फ तुम जैसे लोगों को ना मोहल्ले में रखने के लिए मना करती हूं। आती हूं एक घंटे में। जी बोलिए। जी मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अरे भाई फातिमा। पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई, चौथे बड़े नसीब से मुझे मिली है और उसे मैं खोना नहीं चाहता हूँ। ये क्या है? ये चाचा मेरा साथी क्यों होता है? ये मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे अपनी बेगम के बारे में बताइए। आप बेगम के बारे में सब सुनाए और हम शेरवानी भी शेरवानी। कोई आए ना आए तू चलते जाना रे, घर जंग है हर दिन लड़ते जाना रे। तुझसे ही तेरे वजूद की है ये जंग है रे। कोई माने ना माने तुझे चलते जाना रे।
निकल दिए। आप इतना लेट क्यों आए? हम कब से इंतजार कर रहे थे, मेले में जाना था। हमें जाना था। अम्मी ने खाना खिलाया? स्कूल से लाई? अब अब्बू घर आ गए। अब्बू साहब जल्दी से सो जाओ, अब्बू को सुबह जल्दी काम पे जाना है ना। अम्मी तुम दोनों को सुबह स्कूल ले जाएगी। कोई आए ना आए तू चलते जाना रे। घर जंग है हर दिन तो तू लड़ते जाना रे। तुझसे ही तेरे वजूद की है ये जंग है रे। कोई माने ना माने तुझे चलते जाना रे।